नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में सोमवार की रात बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। ये बदमाश चोरी लूट के साथ साथ टप्पेबाजी की घटनाओं को भी अंजाम देता था। ये बदमाश कभी RTO ऑफिस का कर्मचारी बनकर तो कभी पुलिस कर्मी बनकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी के ऊपर विभिन्न थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस घायल बदमाश से पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद पुलिस मुठभेड़ को लेकर फिरोजाबाद SP सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार की रात में थाना उत्तर पुलिस और SOG बैरी की पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर एक बाइक को जब रोकने की कोशिश की गई तो बाइक सवार ने बाइक को रोकने की बजाय उसे दौड़ा दिया। इसी बीच मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। हट जा वहां से। देखिए, SOG और थाना उत्तर पुलिस से बेदी के पुलिया के पास में एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई जिसमें वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम सुमित शर्मा उर्फ मोनू पंडित बताया। उसके बारे में जानकारी की गई तो करीब उसके विरुद्ध 10 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, टप्पेबाजी चोरी एवं लूट के। अभी कल एक थाना उत्तर में लूट हुई थी 12,000 के ट्रक ड्राइवर से, उसको भी उसने स्वीकार किया है। इसके पास से एक चोरी की बाइक और अवैध तमंचे की बरामदगी की गई है। खास बात इसमें यह है कि ये कभी कभी RTO विभाग का कर्मचारी बनकर के तथा पुलिस बनकर के लोगों के साथ में टप्पेबाजी करता था।